टोंक जिले के सवाई माधोपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा पर पलटवार करते हुए अवैध खनन, अवैध वसूली सहित कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही जौनपुरिया ने हरीश चंद्र मीणा पर अवैध बजरी खनन में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से अवैध वसूली की बात कही। टोंक से कचोर गुर्जर की रिपोर्ट। हरीश जी, मैं आप पे खुला आरोप लगा रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, दोनों मंदिर में घुस जाएं और मंदिर में मड़गा भगवान के मंदिर में ये कह दें, या तो मैं हाथ पे गंगा जल लेके कह सकता हूँ कि 10 साल में आज तक मैंने 100 ग्राम बजरी का काम नहीं किया, आज तक एक जमीन का काम नहीं किया, आज तक किसी अधिकारी से पैसे नहीं लिए। नहीं तो आप मंदिर में मड़ के अपने पब्लिक को जवाब दे दो कि मैं आपकी कसम खाता हूं, ना अब तक मैंने बजरी को काम किया, ना मैंने कोई जमीन का काम किया, और ना मैंने किसी प्रतिनिधि से पैसे लिए और ना अधिकारी से पैसे लिए। वो मंदिर में घुसे, मैं मंदिर में बनने तैयार हूँ समाज के सामने। बर्फी बांटता है, खाना बांटता है, कपड़े बांटता है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर मैंने आज तक कोई सरकारी पैसे का कहीं भी मिस किया हो, मैंने कहीं लिया हो, तो मेरा चोर का हल हो, वो मेरा हो। नहीं तो मैं बता दी, मैं अपने बिजनेस से पैसे निकालता हूँ और अपने पैसे क्षेत्र में खर्च करता हूँ। मैं अपनी जनता के साथ रहता हूँ, मैं गरीब के साथ रहता हूँ। आप करके तो दिखाओ